हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। और आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है पालक राइस। और ये राइस बनाना जितना आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और ये एक बहुत ही हेल्दी लंच ऑप्शन है। आप इसे लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकती हैं। अगर आपको कोई भी सब्जी बनाने का मन ना करे तो सिर्फ ये पालक राइस ही बना के आप खा सकती हैं। और ये राइस बिना किसी सब्जी के ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये राइस अगर आप राजमा या कोई भी प्रोटीन जैसे राजमा, छोले या चना, कोई भी प्रोटीन की सब्जी बनाती हैं तो आप इस पालक राइस को बना के उसके साथ खाइए। अगर आप, क्योंकि प्रोटीन कभी कभी गर्मियों में डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, अगर आप प्रोटीन के साथ कोई ऐसा जैसे पालक और ये कोई वेजिटेबल्स वाले सब्जी को साथ में खाएंगी तो ये डाइजेशन में अभी आपको हेल्प करेगा। तो इसी तरह मैं रोटी में भी बहुत सारे सब्जी को मिला के आटा सानती हूँ, जिससे अगर मैं कोई प्रोटीन वाला कुछ सब्जी खा रही हूँ तो डाइजेस्ट हो जाए। तो मैं आगे वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं उसे डालूँगी जिसे मैं डिटॉक्स रोटी कहती हूँ। हाँ, ये हमारे शरीर को भी क्लीन करता है, बॉडी को क्लीन करता है और हमारे अंदर फैट को जमाने होने देता है अगर आप डिटॉक्स रोटी खाते हैं। और इसी तरह वेजिटेबल्स को अपने राइस या आप दाल बनाते हैं उसमें डाल के खाया करें। तो चलिए बनाते हैं पालक राइस। तो पालक राइस बनाने के लिए पहले मैं ले लूँगी यहाँ राइस, उसे धो के मैं राइस कुकर में डाल दूँगी पकने के लिए। आप भी जैसे भी आप बनाते हैं राइस वैसे आप बना लीजिए। आप कुकर में बनाते हैं तो कुकर में बनाइए, राइस कुकर में बनाते हो राइस कुकर में बना लीजिए। और इसे 2 घंटे पहले बना के रखिए ताकि आपका राइस हो जाए ठंडा। अगर ठंडा राइस में बनाते हैं तो ये पालक राइस ज़्यादा अच्छा बनता है। आप लेफ़्ट ओवर राइस से भी पालक राइस बना सकते हैं। और यह मैंने ले लिया है गर्म पानी जिसमें मैं डाल दे रही हूँ पालक। पालक को थोड़ी देर गर्म पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लेना, हल्का, ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा। अब इसे निकाल लूँगी मैं और ठंडे पानी से धो के मैं एक जार लूँगी जिसमें डाल दूँगी पालक। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो उतना डाल दीजिए, टमाटर। अब इन सारे चीज़ों को डाल के जार में डाल के इसे पीस लेना है अच्छे से। अब यहाँ रख रही हूँ पैन को गर्म हो जाएगा तो उसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद सरसों, जीरा और करी लीव्स डाल के उसे पकने देना है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ पीनट, आपका मन करे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप यहाँ काजू भी डाल सकते हैं। अब ये अच्छी तरह से भुनने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ग्रीन चिली और यहाँ मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ बिरयानी पाउडर और मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। अब मैं यहाँ जो मैंने पेस्ट बनाया था पालक का उसे मैं ऐड कर दूँगी इसमें और इसे अच्छी तरह से पकाना है। थोड़ा सा मेरे यहाँ कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ राइस डाल दूँगी। राइस जब ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह से तो उसे इसमें मैं ऐड करके अच्छे से चला दूँगी। अब मैं 2 चम्मच यहाँ घी डाल के ये इसे प्लेट में निकाल रख दे रही हूँ सर्व करने के लिए।
ये देखिए ये मेरा हो गया है पालक राइस तैयार। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस करिए लाइक और शेयर, और इसी तरह बने रहिए और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज एंड वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय।